तो भाई फाइनली जुजुत्सु काइसन की मांगा तो खत्म हो चुकी है और सीजन 2 भी काफी पहले खत्म हो चुका था। आप सभी भी सीजन 3 का वेट करो, लेकिन क्यों ना उससे पहले मैं सीजन 3 को कवर करूं। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी पाल लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखो। बाकी मैं पूरी की पूरी मांगा कवर करने वाला हूँ। मैंने पहले भी कुछ चैप्टर कवर किए हैं, लेकिन अब हम इस मांगा को शुरू से कवर करेंगे, यानी कि सीजन 3 से कवर करेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो मैं ऐसी और लेके आऊंगा। बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 138 से, जो कि है भाई यूजी इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क, जहां पे कि अपना यूता यूजी को मारने वाला है। देख पाते हैं भाई सैटेलाइट के थ्रू की शिबुया इंसिडेंट के बाद टोक्यो का एक बड़ा हिस्सा बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका है, और हम सब जानते हैं कि वो किसने तबाह किया है। साथ ही में हमें यहाँ पे यही बताया जाता है कि अब उस एरिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लिटरली सुकुना के होते हुए कोई कैसे जिंदा बच सकता है उस एरिया में। लगभग वहां के 23 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो चुकी हैं, जो कि भाई तुम्हें पता ही है सुकुना ने ऑलरेडी तबाह कर दी थी। और हम फाइनली देखते हैं अपने युता को, जो कि जुजुत्सु हैरप के सामने खड़ा है, जो कि उसे कुछ ऑर्डर्स देने वाले हैं, और वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर होता है कि भाई सुगुरु की तो जो कि जिंदा है उसे मारने के ऑर्डर्स हैं। सेकंड कि गोजो ने हायरप्स के खिलाफ जाके शिबुया इंसिडेंट में जो तबाही की है और बात नहीं मानी है, उसकी वजह से उसको उसी सील में कैद रहने देना है जब तक कि हायरप्स नहीं कहते हैं। और ये बात हम भी जानते हैं भाई, गोजो अगर वहां से रिलीज हुआ तो सबसे पहले हायरप्स को ही मारेगा। नंबर 3 की भाई जुजुत्सु हाई के जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको एक्सटर्मिनेट यानी कि भाई उनको डेथ पेनल्टी यहाँ पे दे दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो गोजो और गेतो को सही से हैंडल नहीं कर पाए। यार ये हायरप्स बहुत ज्यादा हरामी है, लिटरली गोजो को पहले इनको मारना चाहिए था। और 4th वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे यूजी इतादोरी जो कि एक्सटर्मिनेट होना था पहले, लेकिन गोजो की वजह से नहीं हो पाया था, उसको अब एक्सटर्मिनेट करने के ऑर्डर्स हैं और उसको जल्द से जल्द मारना है। और उसी के लिए ही 5वीं जो चीज है वो है युता, जिसके लिए यानी कि स्पेशल सॉर्सरर युता को बुलाया गया है यूजी को एक्सटर्मिनेट करने के लिए। युता यहाँ पे कहता है कि मैं खुद इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे खुद अपने हाथों से यूजी को यहाँ पे मारना है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के दौरान अपने यूजी ने इनुमाकी का हाथ काट दिया था, जिसकी वजह से ही युता बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो यूजी से बदला लेना चाहता है इसका। हम देख पाते हैं यहाँ पे ज़ेनिन क्लान का हेडक्वार्टर, जहाँ पे हम देख पाते हैं नाया ज़ेनिन को, क्योंकि भाई लिटरली एक नंबर का हरामी और बहुत ज्यादा एरोगेंट बंदा है। वो तुम अभी खुद इसके मुंह से सुनोगे तो जान जाओगे। यहाँ पे नाया अपनी अटेंडेंस से पूछता है कि क्या माकी ज़ेनिन जिंदा है या मर चुकी है। साथ में ये भी कहता है कि भाई माकी जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैन यानी कि आदमी को सपोर्ट कैसे करते हैं। भाई इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि जो भी लड़की ये सोचती है कि वो आदमियों से ऊपर है या उनसे ज्यादा समझदार है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। वो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नायोया कह रहा है अभी अपनी अटेंडेंस से। और वो माकी को इसलिए इतना हेट करता है क्योंकि माकी अपने आप को नायोया के बराबर समझती थी, इसलिए नायोया उससे बहुत ज्यादा हेट करता है। देख पाते हैं कि नायोया अपने ज़ेनिन क्लैन के हेड ऑफिस में एंटर करता है, और यहाँ पे हम दो लोगों को देख पाते हैं, जो कि है ज़िनिची ज़ेनिन और उसके अलावा ओजी ज़ेनिन। वो दोनों ही उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो, लेकिन अपना बंदा बहुत ही स्वीट बनके उनसे कहता है सॉरी मैं लेट आया। और वो इतना खुश इसलिए था क्योंकि भाई ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर यहाँ पे घोषित करने वाले थे। इसमें वो इसलिए खुश है क्योंकि भाई अगला लीडर वो खुद बनने वाला है, इसलिए तुम उसके चेहरे की खुशी अपने आप देख सकते हो। इस पैनल में हम देख पाते हैं कि भाई नायोया दोनों की ही यहाँ पे बेइज्जती कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और ज़िनिची उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस हमले से अपना नायोया आराम से बच जाता है। ज़िनिची जैसी अपनी तलवार से हमला करने जाता है, वो लगभग उसे मारने के ही मूड में था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि भाई वो ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर बनने वाला है, तो वो उसे किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता। तो वो आखिर लीडर क्यों बनने वाला है, क्योंकि भाई नायोया के जो डैड है वो नोबितो ज़ेनिन है, जो कि अपने तोजी वाली फाइट में भी थे। आपने देखा होगा उनको सीजन 2 में जब ड्रैगन से फाइट हुई थी। तभी वहां पे एक वकील आ जाता है इस बातचीत के दौरान, जो कि आके बताता है कि नोबितो ने अपनी पूरी की पूरी वसीयत लिखी थी, जिसके हिसाब से अगला लीडर जो बनने वाला है। और वो साथ में वकील हमें ये भी बताता है कि भाई अपने जो नोबितो है वो फाइनली मर चुके हैं शिबुया इंसिडेंट के बाद, और अपना जो अगला लीडर है वो होता है नायोया, क्योंकि उसने पूरी विल वहां पे बैठ के पढ़ी, जिसमें कि हमारा 27th ऑफ ज़ेनिन क्लैन का लीडर घोषित किया जाता है, जो कि बनता है नायोया। के साथ साथ वो यही बताता है कि जितनी भी संपत्ति, जितने भी कर्स टूल है, जितने भी कर्स के हथियार है,
वो सभी नायो या ज़ेनन को जाएंगे। यहाँ पे भाई वो वकील एक काफी इंपॉर्टेंट बात रिवील करता है कि अगर किसी भी तरीके से सातोरु गोजो मारा जाता है या वो मेंटली इल पाया जाता है तो सारा का सारा जितना भी अभी प्रॉपर्टी उसने बताई है और साथ ही में जो अगला लीडर बनेगा वो होगा अपना फुशीगुरो। लिटरली ये सुनते ही नायोया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस टाइम पे यही सोच रहा था कि आखिर सब लोग मेरे लीडर बनने के बीच में क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे नायोया की अटेंडेंट उसे बताती है कि जो फुशीगुरो है वो गया है यूजी को ढूंढने के लिए, यानी कि सुकुना के वेसल को ढूंढने के लिए, जिसको सुन के भाई नायोया बहुत गुस्से में कहता है कि मैं दोनों को ही मार दूंगा, स्पेशली तुम हायरस को जाके बता दो कि मैं योजी को एक्सटर्मिनेट करने वाला हूँ। बाद फाइनली हम सब की दिलों की धड़कन यूकी को दिखाया जाता है। यहाँ पे यूकी हायरस से बात कर रही थी और माफी मांग रही थी लेट आने के लिए, साथ ही में यूकी हमें यही बताती है कि वो अभी किसी के साइड भी नहीं है इस समय पे। वो साथ में ये भी कहती है कि वो चाहती है कि जितने भी कर्स स्प्रिट है इस दुनिया में वो सारे के सारे खत्म हो जाए, इसलिए ना ही वो सॉर्सरर्स के साइड है ना ही जुजुत्सु हाई के। तो आखिर उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है हमारा यूजी इतादोरी जो कि सीढ़ियों पे बहुत ही ज्यादा हताश बैठा हुआ था और वहां पे आता है जोजो उसको चेयर अप करने के लिए। यहाँ पे जोजो उससे पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसे है, तो यूजी यहाँ पे कहता है कि मेरी इंजरीज तो ठीक हो चुकी है सुकुना की वजह से, लेकिन अब अंदर ही अंदर सुकुना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इतनी सारी फिंगर्स खा ली थी यूजी ने शिबुया इंसिडेंट के दौरान। चोजो कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम अकेले जुजुत्सु हाई जा सकते हो, मैं अपनी फैमिली को अकेले ही इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन यूजी कहता है कि नहीं, अब मैं जुजुत्सु हाई नहीं जा सकता हूँ। अति में यूजी यहाँ पे ये भी बोलता है कि सुकुना के मन में ऑलरेडी अपने फुशीगुरो को लेके कोई प्लान है और साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है तो वो जुजुत्सु हाई में नहीं जा सकता। साथ ही वह चोजो को ये भी बताता है कि उसने उसके दोनों भाइयों को भी मार दिया था, क्योंकि चोजो भी उसको रिप्लाई करता है कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया था और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मैं इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ। इस बातचीत के बाद दोनों ही सीढ़ियों से उतर के जाने लगते हैं और इसके बाद हम देख पाते हैं नायोया और अपने यूता स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर को। उसके बाद हम वो आइकॉनिक सीन देख पाते हैं जो कि यूजी ने सीजन 2 के लास्ट में किया था, जो कि वो एक ब्रिज पे जाता है और ताली बजाता है, जिसके बाद बहुत सारी कर्स स्प्रिट एकदम से रिलीज हो जाती है यूजी की तरफ। सारी कर्स स्प्रिट यूजी पे हमला कर देती है, यूजी बहुत तेजी से एक टनल की तरफ दौड़ने लगता है और वहां पे हम देख पाते हैं चोजो को जो कि पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है और लगभग सभी के सभी कर्सेस को मार देता है। लेकिन एक कर्स स्प्रिट बच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे यूजी एक जोरदार पंच मार के उस कर्स स्प्रिट को भी वहां पे खत्म कर देता है। यहाँ पे हम चोजो को देख पाते हैं जो कि यूजी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि यूजी भाई साहब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है, यहाँ तक कि चोजो उसको डीमन गॉड भी कह देता है। यहाँ पे चोजो उसको अपना छोटा भाई कह के एड्रेस करता है, लेकिन यूजी उसे मना करता है छोटा भाई कहने के लिए, लेकिन चोजो कहता है तुम दिमाग लगाओ, तुम्हें याद होगा तुम्हारे डैड के सर पे भी स्टिचेस थे, जिसको देख के भाई यूजी सुन के कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं नायोया को जो कि ब्रिज पे खड़ा था और वो यहाँ पे नायोया देख के ये कहता है कि यार फुशीगुरो तो यहाँ पे है ही नहीं, और वो इन दोनों को ही वार्निंग देता है कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यूजी यही सोच रहा होता है कि इसको भागना क्यों है, जहाँ पे नायोया उसे एक्सप्लेन करता है कि अब गोजो सातोरु नहीं है यानी कि सील हो चुका है, इसलिए यूजी को वापस से एक्सटर्मिनेट यानी कि डेथ पेनल्टी देने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। यूजी सुन के ये बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे सॉर्सरर्स बचे हुए थे, लेकिन नायोया का भाई तुम्हें पता ही है अलग ही प्लान है जो कि है फुशीगुरो को मारना। यूजी उससे पूछता भी है कि तुम्हें फुशीगुरो से क्या काम है, तुम फुशीगुरो को क्यों मारना चाहते हो, तो वो सिर्फ इतना रिप्लाई करता है कि मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। और नायोया नीचे आ जाता है दोनों के ऊपर हमला करने के लिए। लिटरली भाई अपना नायोया इतना फास्ट था कि यूजी उसे पता तक नहीं चला और उसको एक जोरदार पंच लगा जिससे यूजी दूर चला जाता है। लेकिन इसके बाद हम देख पाते हैं कि यूजी और चोजो दोनों ही मिलकर हमला कर देते हैं नायोया के ऊपर, और यहाँ पे एक जोरदार पंच मारने की तैयारी थी यूजी की, लेकिन वो पंच सिर्फ नायोया बच जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट था। यहाँ पे नायोया ये भी बोलता है कि यूजी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अब टाइम आ चुका है और ज्यादा स्पीड को बढ़ा के तुम्हें मारने का। लेकिन तभी तीनों को भाई एक खतरनाक कर्स एनर्जी फील होती है। लिटरली इतनी कर्स एनर्जी को देख के भाई यूजी को तो यही लगता है कि गोजो सेंसर रिलीज हो चुके और यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं अपने यूता को। हम सब ये जानते हैं कि भाई यूता के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी बंदा होल्ड करता है। तो तभी अपनी कटाना निकालता है और इसके साथ साथ यूजी उससे पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या करने आए हो।
लेकिन यूता बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था। वो ब्रिज से नीचे कूदता है और लिटरली भाई जहाँ पे वो कूदता है वो जगह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद ये ताकत देख के यूजी और चोजो दोनों की फट जाती है और यूता बहुत ही बैडास तरीके से वहां से अपनी कटाना को लेके उनकी तरफ बढ़ रहा था और पूछता है कि तुम में से कौन कौन यूजी इतादोरी के साथ हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर हाथ करता है अपना नायोया, वो कहता है कि मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ, तुम्हारा नाम यूता ओकोत्सु है। लेकिन यूता काफी बैडास तरीके से कहता है कि आखिर तू है कौन बे, इस पे नायोया उसे पूरा एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है कि वो माकी का कजन है और वो भी यहाँ पे यूजी इतादोरी को मारने ही आया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसे मार सकते हो, मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। चोजो यहाँ पे यूजी को कहता है कि तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा, क्योंकि नायोया ज़ेनन इतना पावरफुल नहीं था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी ये जो बंदा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको रोकने में मुझे भी दिक्कत होगी, तो तुम्हें इसी वक्त यहाँ से भागना चाहिए। साथ में भाई यहाँ पे चोजो यूजी को वॉर्न भी करता है कि कुछ भी करना लेकिन भाई किसी भी तरीके से यूता के हाथ मत लग जाना। फाइनली इतनी सारी बात सुनने के बाद यूता मान जाता है कि जो नायोया है वो उसी की तरफ है, तो वो नायोया को कहता है कि उसे बंदे को संभालो और मैं जा रहा हूँ यूजी को एक्सटर्मिनेट करने के लिए। देख पाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे चोजो एक डिस्ट्रैक्शन करने के लिए अपना पियर्सिंग ब्लड मूव करने जाता है, लेकिन नायोया उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और यूता बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था यूजी की तरफ। इस चीज के दौरान हम देख पाते हैं कि यूजी सोच रहा था कि इस बंदे ने हाथ में कटाना पकड़ रखी है फिर भी ये कितना तेज है, और यहाँ पे यूता ये सोच रहा होता है कि ये बंदा इतनी कम एनर्जी के साथ भी इतना ज्यादा तेज कैसे दौड़ रहा है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है नायोया और चोजो की बैटल। पहले तो इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रही थी और नायोया चोजो की टेक्निक को देख के समझ जाता है कि वो पियर्सिंग ब्लड का यूज कर रहा है, यानी कि ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है। ये भी सोच रहा था कि आखिर चोजो के पास ये टेक्निक आई कैसे, लेकिन भाई वो लिटरली यहाँ पे ये सोच रहा था इसके पास कोई भी टेक्निक हो लेकिन ये मुझे नहीं हरा सकता, इस फाइट को तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि भाई अपना चोजो गुस्सा हो जाता है, जहां पे चोजो काफी बैडास तरीके से उसे कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई को मार रही हो, कोशिश करो अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूजी और यूता को। यूजी एक कार के ऊपर से छलांग मारता है लेकिन हम देख पाते हैं विद इन अ सेकंड भाई अपना यूता तलवार लेके उस कार के एकदम पास आ जाता है। यूता यहाँ पे एक जोरदार हमला करता है यूजी के ऊपर, लेकिन हवा में ही यूजी उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसको देख के यूता भी यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक और हैरान हो जाता है। के बाद हम देख पाते हैं यूजी को जो कि भाई एक जोरदार मुक्का मारता है कार को, जो कि डायरेक्ट जाके लगती है अपने यूता को। इस पॉइंट तक अपना यूजी समझ चुका था कि भाई वो नॉर्मली तो यूता को नहीं हरा सकता है, इसलिए उसकी भलाई यही है कि वो यहां से भाग जाए। जब गाड़ी यूता को लगती है तो इस मौके का फायदा उठा के यूजी एक स्टोर की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि यूजी उस स्टोर के अंदर जाता भाई लिटरली यूता उस कार को उठा के उस स्टोर के दरवाजे में फेंक देता है, जिससे कि यूजी का रास्ता कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और अब यहाँ पे यूजी मजबूर हो जाता है यूता से लड़ने के लिए, क्योंकि अब कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा था। लेकिन इस फाइट के दौरान यूजी इतना तो समझ जाता है कि भले ही अपना यूता फिजिकली उतना स्ट्रांग ना हो लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है, इवन गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी यूता के पास है अभी। और यहाँ पे यूजी यही बोलता है कि भले ही यूता के पास ज्यादा एनर्जी है और उसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसकी जो कर्स एनर्जी है वो इस चीज को कंपनसेट कर देती है। और यूता भी यहाँ पे उसको बैडास तरीके से कहता है कि मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, साथ ही वो ये भी कहता है कि वो गोजो सेंसे की तरह इस कर्स एनर्जी को ज्यादा लंबे समय के लिए यूज नहीं कर पाता है। और बाद में वो कहता है कि बहुत ही बकवास, अब शुरू करते हैं अपनी फाइट को। तभी यूता अचानक से हमला कर देता है यूजी के ऊपर और ये हमला बहुत ज्यादा फास्ट था। तभी यहाँ पे यूजी को तोदो की एक बात याद आती है, जब भी कोई एवरेज फाइटर हमला करता है तो कोई भी एक स्किल सॉर्सरर ये पता लगा सकता है कि हमला किस तरफ से होने वाला है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें एलाइट फाइटर की जिनका की अपनी कॉर्स एनर्जी पे एक अच्छा होल्ड है, उनके हमलों को पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यूजी लिटरली इस पॉइंट पे ये सोच रहा था कि ये बंदा तो एलाइट फाइटर का भी पप्पा है, क्योंकि भाई उसकी बॉडी से तो कर्स एनर्जी अनलिमिटेड निकल ही रही थी लेकिन उसकी कटाना से भी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी निकल रही थी। वो यूता की मूव्स को प्रिडिक्ट तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन यूजी मन में ये सोच चुका था कि उसको यहाँ पे तो अभी नहीं मरना है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यूता अपनी कटाना से एक और जोरदार हमला करता है यूजी के ऊपर। लिटरली ये हमला इतना ज्यादा फास्ट था कि बड़ी मुश्किल से यूजी से डॉज कर पाता है। अभी यहाँ पे यूजी एक प्लान बनाता है कि उसे किसी तरीके से यूता की कटाना उसके हाथ से हटानी होगी, ताकि वो हैंड टू हैंड में कुछ हद तक यूता को टक्कर दे पाएगा,
जिसके बाद यूजी दौड़ लगाना शुरू कर देता है। फिर से एक बार वो एक कार में से एक नाइफ को उठा ले, तभी हम देख पाते हैं कि भाई यूता एक और जोरदार हमला करता है अपनी कटाना से यूजी के चाकू के ऊपर, और उस चाकू को देख के समझ जाता है कि चाकू कोई भी कर्स एनर्जी का टूल नहीं है। लेकिन यूजी उसके अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी को जमा कर रहा था और वो भी उससे ब्लॉक करके यूता की तलवार को पीछे धकेल देता है। और यूजी को ऐसे चाकू चलाते देख यूता यहाँ पे समझ जाता है कि यूजी ने पहले कभी चाकू का यूज या किसी हथियार का यूज नहीं किया है। और लिट्टनी वो काफी बैडएस तरीके से अपने यूजी को कहता है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी कटाना पे है, लेकिन असली प्रॉब्लम कटाना नहीं, मैं हूँ। इसके बाद भाई यूता एक जोरदार किक मारता है अपने यूजी को। यूजी को एक किक लगने के बाद यूजी भी सोचता है कि यार इस बंदे की एक नॉर्मल किक भी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर से यूजी हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार यूता एक ही हमले से उसका चाकू भी काट देता है और उसके साथ साथ उसकी छाती को भी चीर देता है। और उसकी जो कटाना है वो जमीन पे जाके लगती है, जिसका फायदा यूजी उठाता है और तुरंत उसकी कटाना को अपने पैर से दबा देता है। उस तलवार पे भाई लिटरली यूजी एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि जो अभी यूता का स्पेशल कर्स टूल था यानी कि उसकी कटाना, वो टूट जाती है। यूता इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि अगर एक गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है तो इतना स्ट्रांग तो होगा ही। और यूजी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो सीधा हमला करने पहुंचता है यूता के ऊपर। और उसे लगता है इस पॉइंट पे उसकी कटाना नहीं है तो वो शायद यूता को हरा सकता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है जो कि था हमारी रीका का, और रीका उसको बुरी तरीके से जकड़ लेती है। और लिटरली उसकी प्रेजेंस को देख के, इतनी ज्यादा डार्क प्रेजेंस को देख के अपना यूजी हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे रीका रिप्लाई करती है यूता को, आखिर यूता यहाँ पे क्या चल रहा है। इस पे यूता कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा, हम बस यहाँ पे खेल रहे थे। और यहाँ पे यूजी भाई साहब रीका को देख के बहुत ज्यादा सहम चुका था और लिटरली वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किसी तरीके का शिकिगामी है या कोई कर्ज है। और लिटरली इससे पहले कि वो कुछ सोचता, यूता अपनी तलवार यूजी की छाती में घुसा देता है। इसके बाद वो यूजी से कहता भी है कि सॉरी यूता दोरी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं फाइनली सुकुना को, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था ये चीज देख के। लेकिन अगले पैनल में हम देख पाते हैं पता नहीं सुकुना को क्या ऐसा फील होता है और वो बहुत ही डेमोनिक तरीके से हंसने लगता है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर इसका एपिसोड 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।